अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। भाई, इस टाइम पे एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है कि ख्वाजा दरगाह अजमेर शरीफ के बारे में। काफ़ी लोग जा भी चुके होंगे अजमेर शरीफ। मैं नहीं जानती हूँ कि कितने भाई जा चुके होंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कितने लोग जा चुके हैं। तो एक ट्रेंडिंग टॉपिक काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है क्योंकि अजमेर शरीफ में बताया जा रहा है कि शिव मंदिर है, और ऐसा बताया जा रहा है भाई, और सर्वे कंटिन्यू चालू है। अगर किसी ने हमारा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके हमारे वीडियो को देख लीजिए, जो कि अंजना ओम कश्यप जी की वार्तालाप ओवैसी जी से है। थोड़ा वीडियो है हमारे पास, तो वो मैंने डाल रखा अपने चैनल पे, देखिए जाके। जो भी है वो अपनी वार्तालाप कर रहे हैं एक्ट को लेके कि एक्ट में ये लिखा था, उससे छेड़छाड़ हो रही है, ये सब। तो भाई पता नहीं क्या होता है भाई, हम तो एक छोटे से बच्चे हैं, मैं क्या ही बताऊंगी है शरीफ के। तो भाई इनकी स्टोरी ही देख लेते हैं, रियल स्टोरी ऑफ अजमेर शरीफ एंड ख्वाजा गरीब नवाज की जो है स्टोरी देख लेते हैं। अभी तक आपने क्या देखी होगी, बता दूं भाई, अजमेर शरीफ एक ऐसा स्थल है जहाँ पे हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, क्रिश्चियन भी जाते, मतलब सभी लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं भाई, हमारे यहाँ से ही काफ़ी लोग जाते हैं। मैं कोई वैसी बात नहीं बता रही हूँ कि टीवी या मूवीज को देख के, हमारे में एक छोटी से गांव से रहती हूँ, वहाँ से भी लोग जाते हैं, पर मैं नहीं गई हूँ, मैं नहीं गई हूँ, मैं तो अभी छोटी छोटी जगह भी नहीं गई हूँ भाई। अजमेर शरीफ तो बहुत दूर है, लेकिन लोग जाते हैं, वहाँ से प्रसाद लाते हैं, चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी जा चुके हैं भाई, तो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इनका ओरिजिनल ब्लू लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आइए हम रियल हिस्ट्री देख लेते हैं क्या है अजमेर शरीफ की, भाई बताएंगे। और इनका ओरिजिनल ब्लू लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना कते नहीं भूलिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना कते नहीं भूलिएगा। आइए देख लेते हैं दोस्तों, ये है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर, लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है कि जहाँ पर भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 50, 100, 150 या 200 साल नहीं बल्कि लगभग 800 से 900 साल पुराना है। और ख़ास बात यह है कि इस दरगाह से जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हुए हैं, बेशुमार मुसलमान इससे अकीदत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदुओं या फिर बाकी धर्मों की भी एक बड़ी आबादी इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इससे अपनी आस्था रखती है। और आज भी अगर आप लोग इस शहर के अंदर जाएंगे, इस दरगाह पर जाएंगे, तो देखेंगे कि जितनी तादाद में यहाँ पर मुसलमान होंगे, शायद उतनी ही तादाद में हिंदू या फिर बाकी धर्मों के लोग। मैंने बोला था ना भैया, अजमेर में मौजूद इस दरगाह की अहमियत कितनी है, इस चीज़ का अंदाज़ा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों और सुल्तानों को तो छोड़ ही दीजिए, आज के दौर में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहाँ पर अपनी चादर वगैरह जरूर भेजते हैं। इसी साल ही मतलब 2024 के जनवरी के महीने में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नजर डालें तो भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह मतलब के अकबर सम्राट से जुड़ी हुई एक बड़ी ही जबरदस्त चीज मिलती है। किताबों में मिलता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जिनका भारत पर राज चला करता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको एक ही चीज का अफसोस रहता था और वो था औलाद न होने का। दो बेटे हुए भी थे, हसन और हुसैन, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब आईने अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से ये खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वो पूरी हो जाती है, जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए अब अकबर ने भी ये मन्नत मांगी कि अगर उसको एक बेटा पैदा होता है तो वो इस दरगाह पर हाजिरी लगाने आएगा, वो भी पैदल चलकर। दोस्तों, ये बेटा पाने की चाहत ही थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफी बुजुर्ग से मिलने के लिए मजबूर किया। ये मशहूर सूफी बुजुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया कि अब मानो वो बार बार उनसे मिलने के लिए आता रहता था। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे होंगे।
शेख ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे और बिल्कुल हुआ भी ऐसे ही, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अब अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से अकबर ने अपने इस पहले बेटे का नाम सलीम रखा और यही वो सलीम था कि जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, पार्वती शर्मा की एक काफी मशहूर किताब है जिसका नाम है एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रेट मुगल जहांगीर। इसमें उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा लिखा है जिसके मुताबिक बादशाह अकबर ने एक बार अपने सूफी बुजुर्ग यानी के शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितना वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि तब तक कि जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू दोहरा ना दे। अकबर ने जैसे ही ये सुना फौरन ही अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ ये कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसी दोहरा दिया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई और कुछ दिनों के अंदर ही फिर शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो मेन सेंटर था, हेडक्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहाँ पर जाना जारी रखा। न सिर्फ जाना जारी रखा बल्कि वहाँ पर अकबर की तरफ से बहुत सारा डोनेशन वगैरह भी दिया जाता था। अब अगर मोटे मोटे तौर पर उन ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी पर नजर डालें कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है, मतलब कि कब्र है, तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उनके मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का जन्म, इनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास में ईरान के शहर सिस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के चले जाने के बाद ये सूफीज्म से इंस्पायर हो चुके थे और बाद में इन्होंने उस बुखारा शहर का सफर किया कि जो उस दौर में दुनिया का एक ट्रेड सेंटर माना जाता था और आज के दौर के हिसाब से देखें तो उज़्बेकिस्तान देश के अंदर हुआ करता था। यहाँ पर जाकर ही इनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के ही एक सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई थी जो आगे चलकर इनके सबसे बड़े उस्ताद, मतलब कि टीचर साबित हुए। इन दोनों ने मिलकर साथ में मक्का और मदीना का सफर भी तय किया था और ऐसे ही सफर के दौरान एक दिन ख्वाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया और यहां से ही फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में ये दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुँचे और अजमेर में जाकर ही इनको वो नाम मिला कि जो आज तक सबसे ज्यादा मशहूर है, गरीब मतलब नवाज। गरीब नवाज, गरीब, जिसका मतलब गरीबों होता को है नवाज, गरीबों को नवाजने वाला, मतलब कि गरीबों पर कृपा करने वाला। ऐतिहासिक किताबों से साफ पता चलता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ऐसा असर था कि जो भी एक दीवाना हो जाता था वो मानो इन्हीं का हो जाता था। धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस इतनी तेजी के साथ फैला कि दूर दूर से लोग सफर दूर से जाते हैं, लोग बातें सुनने के लिए आया करते थे। उस पुराने दौर में ही जब टेक्नोलॉजी का तो अता पता भी नहीं था, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम उनकी जिंदगी में ही भारत के बड़े बड़े शहर जो दूर दूर मौजूद थे सब में मशहूर हो चुका था। 1236 के आसपास में जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर शहर के अंदर ही उनका मकबरा बनाया गया और फिर बाद में धीरे धीरे उसी मकबरे ने ही उस दरगाह का रूप ले लिया कि जो आज के दौर में हम लोगों को नजर आती है। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में तो ये मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमतें आईं और उनका इनसे लगाव होता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अब यहाँ पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया, जिनमें से एक नाम मांडू के महमूद खिलजी का भी था कि जिन्होंने बाकायदा यहाँ पर एक मस्जिद की भी तामीर करवाई थी। बाद में मुगलों का दौर आया तो उसकी तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत में जो मैंने चंद चीजें आपको बताई थी उससे ही आप लोगों को अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मुगलों का अजमेर शरीफ से कितना गहरा रिश्ता था। इवन बादशाह शाहजहां के जो दो बच्चे थे, मतलब के जहां आरा और दाराशिको, उन दोनों की तो पैदाइश ही अजमेर के अंदर हुई थी। शाहजहां की बड़ी बेटी, मतलब के जहां आरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बहुत ज्यादा माना करती थीं और इसीलिए उन्होंने इनकी एक बायोग्राफी भी लिखी थी। पुराने दौर के चाहे तुगलक सल्तनत के हुक्मरान हों, बीच के चाहे शेर शाह सूरी हों, या फिर नए दौर के ये हैदराबाद के अमीर से अमीर निजाम हों, इन सभी का अजमेर शरीफ से बहुत गहरा रिश्ता रहा। नए दौर की बात करें तो सन 1911 में जब अंग्रेजों के एक हुक्मरान, मतलब के जॉर्ज फाइव की ताजपोशी हुई दिल्ली में, तो उसके बाद जो उनकी रानी थी, मतलब के मैरी, उन्होंने अजमेर का दौरा किया और खास तौर से वो अजमेर दरगाह भी गई थी। वहाँ पर उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए उस दौर में 1500 की एक रकम भी दी थी, जिसकी वजह से आज तक उस टंकी, या कह सकते हैं कि उस हौस को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है।
अगर आप लोग अजमेर की इस दरगाह को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के अलावा उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्रें मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को एक मस्जिद भी देखने को मिलेगी जिसको अकबरी मॉस्क के नाम से जाना जाता है और जिसको किसी दौर में मुगल बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर मुगल एम्परर जहांगीर और शाहजहां इन दोनों की एक एक बेटी की कब्रें भी मौजूद हैं। अजमेर के अंदर 3 गेट मौजूद हैं जिनमें से एक को कहा जाता है निजाम गेट, जो दरअसल हैदराबाद के मशहूर निजाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था, जबकि बाकी बचे हुए 2 गेट्स में से एक को जन्नती दरवाजा तो दूसरे को बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर साल एक बार उर्स भी मनाया जाता है और अगर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये उर्स रजब के महीने में आता है। इस उर्स में अजमेर की इस खास दरगाह पर हाजिरी देने के लिए लाखों लोग पहुँचते हैं। उर्स के दौरान खाना वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर 2 खास देगों का इस्तेमाल किया जाता है और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये देगें साइज में तो काफी बड़ी हैं ही मगर हद से ज्यादा पुरानी भी हैं, क्योंकि इनमें से एक देग तो वो है कि जो किसी दौर में बादशाह अकबर ने यहाँ पर पेश की थी, जबकि दूसरी देग वो है कि जो बादशाह अकबर के ही बेटे मतलब के बादशाह जहांगीर ने पेश की थी। इसमें से जो बड़ी देग है माना जाता है कि उसमें एक बार में 2800 किलो चावल आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं, जबकि जो छोटी देग है उसमें भी लगभग 1100 के करीब चावल बनाए जाते हैं। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों को अजमेर शरीफ की इस अहम बहुत कुछ जानने को मिला हमारे भाई लोगों को। वैसे हमारे भाई लोग काफ़ी लोग अजमेर शरीफ हो भी आए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते भी होंगे, जो दिखाया जा रहा है वो सब देख भी आए होंगे अपनी आँखों से। तो मतलब जब हमारे हिंदुओं में ही काफ़ी लोग हो आए हैं तो मुस्लिम भाई तो जरूर ही होके आए होंगे, क्योंकि कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ही ऐसा बोला जाता है कि आप अगर इस जीवन में आए हैं तो आप कहीं ना कहीं, कहते नहीं है कि यात्रा कर लीजिए चारों धाम की, तो वो है कि आप तीर्थ स्थलों की यात्रा कर लीजिए, कुछ ना कुछ बुरे कर्म भी होते हैं, या बुरे कर्म मैं ये नहीं कह रही कि बुरे कर्म हर किसी को होते हैं, कहीं कोई कुछ गलती कर देता है, कोई गुनाह कर देता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे कोई गुनाह ना हुआ हो लाइफ में, तो गुनाह सभी से होता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे स्थलों पर जाते हैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए और अपनी कोई ना कोई दुआ कबूल कराने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर इंसान परेशान है। जब अकबर परेशान थे अपनी मतलब उनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी इसलिए परेशान थे अकबर, तो भाई हम लोग तो आम जनता है, आम पब्लिक है, तो हर इंसान किसी ना किसी चीज़ के लिए बहुत परेशान है और हर किसी को लगता है भाई किसी ना किसी की दुआ काम आ जाए। कहते हैं कि दवा से ज़्यादा किसी की दुआ काम आती है। जब भी इंसान कोई दवा लेने जाता है और हॉस्पिटल जाता है अस्पताल में, तो वहाँ पर भी लोग यही बोलते हैं भाई दवा तो मैंने दे दी है, बस आप करिए दुआ, और दुआ आप जिसको मानते हैं उससे करिए। तो तभी कहते हैं ना किसी सूफी संत की या किसी फकीर बाबा को अगर आप अपने दरवाजे से लौटाते हैं तो भाई अगर वो कुछ बोल देते ना तो वो कहते हैं पत्थर की लकीर होता है, क्योंकि इनकी बात कभी खाली नहीं जाती है। सूफी संत लोग जो भी होते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो गेट पे भिखारी लोग आते हैं उनकी बात मान लीजिए और सबको दरवाजे पे रोक लीजिए, नहीं नहीं भाई, ये भिखारी बोल जो शराब पीने वाले होते हैं ये बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो सूफी संत होते हैं ना, फकीर बाबा लोग होते हैं, वो अलग से ही दिखाई भी देते हैं और वो मांगा मुंगी नहीं करते किसी से, वो आपको ऐसा कुछ बता के जाएंगे जो आपकी लाइफ से रिलेट करता है। तो इनकी बात 100% सत्य होती है भाई, मानना चाहिए। और कभी भी इनका कुछ लोग खिल्ला भी उड़ा देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मेरा तो मानना ये है नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी को समझाते हो तो समझाना बिल्कुल भी नहीं है किसी को भी, जो जिसके दिल में आता है वो करे। खैर कोई नहीं, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग होके आए हैं या नहीं होके आए हैं, और कितने लोग अभी जाएंगे जस्ट ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा, और मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।